I will take a little trip over yonder, over yonder, so I can take a look around at what you've seen. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ इस समर में सबका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वाटरमेलन की आइसक्रीम। उसकी रेसिपी को मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा यमी और इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि यदि आप एक बार इसको बना लोगे तो बार बार आपका दिल करेगा घर में बनाने का और बार बार खाने का मन करेगा। बहुत ही ज़्यादा यमी है और सबसे बड़ी बात है कि इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। हार्डली आपको 5 to 10 minutes में सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएगी और आप इसको बना सकते हैं। सारे स्टेप्स को मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से इस आइसक्रीम को घर में बनाना है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि अभी लॉकडाउन का टाइम है और कोरोना की वजह से बाहर से कुछ भी लाना और खाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो अच्छा यही है कि हम घर पे चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, घर पे तरह तरह की रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं इस वाटरमेलन की रेसिपी को, इस वाटरमेलन के आइसक्रीम की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। घर पे आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और बनाते हैं इस आइसक्रीम को। इसको मैं ओपन करके आपको नहीं दिखाऊंगी, वो आप मेरे वीडियो को देखो और वहाँ पर मैंने सारी चीज़ों का डिटेल और आइसक्रीम जमने के बाद भी उसको दिखाया है। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं कि इस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वाटरमेलन आइसक्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है वाटरमेलन, फ्रेश वाटरमेलन लेना है और उसके बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है इस तरीके से, ये देखिए। और पीछे का जो छिलका वाला पार्ट है उसको निकाल करके अलग कर देना है। जितनी भी क्वांटिटी में आपको बनाना है तो सारे वाटरमेलन को इस तरह पीसेस में डिवाइड करके पीछे का छिलका निकाल कर अलग कर दीजिए और उसके बाद इसकी जो बीज है उसको भी निकाल कर हटा देना है हमें। ये देखिए, मैं धीरे धीरे वाटरमेलन की जो बीज है उसको निकाल करके अलग कर रही हूँ और इसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है। फ्रेंड्स, वाटरमेलन आइसक्रीम जो ये बनने वाला है ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। ऐसा लगेगा कि वाटरमेलन ही खा रहे हो, बिल्कुल ओरिजिनल फ्लेवर बनने वाला है। और अब यहाँ पर मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया है ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। उसके बाद एक मिक्सी जार लेना है आपको और जितने भी टुकड़े हैं वाटरमेलन के उसको इसमें डाल दीजिए और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से पीसना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से महीन से इसको ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप मिल्क डाला है और 1 कटोरे चीनी डाला है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि चीनी ज़्यादा डालना है क्योंकि आइस में जब तब्दील हो जाता है ये वाटरमेलन तो इसकी जो मिठास है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो हमें पहले ही थोड़ा ज़्यादा करके चीनी डालना है ताकि बनने के बाद जो भी जो है ना इसकी जो मिठास है वो कम नहीं हो। अब देखिए ग्राइंड हो चुका है बिल्कुल, यहाँ पे इस तरह का कंसिस्टेंसी आपको रखना है, ये देखिए। और ये आइसक्रीम जमाने वाला जो बॉक्स है ये आता है ऑनलाइन, आप इसको मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर पहले से अमेज़ोन से मंगाया हुआ है और उसके बाद इसमें जो ये लिक्विड वाला पार्ट है आइसक्रीम के लिए वो मैं हर पार्ट में डाल रही हूँ। ये जो आइसक्रीम जमाने वाला कंटेनर है वो आप 2 मंगाइएगा फ्रेंड्स, मैंने भी 2 मंगाया है क्योंकि ये आइसक्रीम इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि घर में इसकी खपत बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाता है इस कारण से। तो दूसरे वाले बॉक्स में मैंने मैंगो आइसक्रीम बनाया हुआ है जो कि फ्रिज में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, वैसे तो 2 कंटेनर में जमाने के बाद भी ना कम पड़ जाते हैं क्योंकि मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आता है, डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है घर में। तो अब उसके बाद वाटरमेलन के छोटे छोटे कटे हुए पीसेस को इस बॉक्स में डालना है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, ताकि ओरिजिनल फ्लेवर आए। और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस भी ऐड किए हैं और उसके बाद इसको कवर करना है इस तरीके से बंद करके और फिर फ्रीज़र में रख दीजिए कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटे में अच्छे तरीके से जम जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर
6 से 7 घंटे के बाद मैंने इस आइसक्रीम वाले कंटेनर को निकाल लिया है फ्रीजर से, और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ ओपन करके ये कितना ज़्यादा मज़ेदार और कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। देखिए कितना ज़्यादा यमी लग रहा है देखने में ही, और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दूसरा वाला भी देखिए, सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से जम चुके हैं, बहुत ही बढ़िया सा आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल होममेड तरीके से, इसमें किसी भी तरह के केमिकल और बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये हेल्थ के लिए भी उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप घर में ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइए। तो होप आप सबको आज का ये मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपने एंड तक मेरे वीडियो को देखा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वैसे सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट नहीं करते हैं। सो आप सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि जो भी नए अपलोड्स होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।